नजदीक आ रही है तारीख कॉमेडियन भारती सिंह के ड्रीम वेडिंग की, और कल ही हुआ भारती के शादी का पहला रिचुअल, उनका चूड़ा सेरेमनी। देखिए कैसे किया भारती ने एक धमाकेदार एंट्री। The chuda or the bangle ceremony is when the bride's closest friends make the bride wear red and green bangles. Bharti's close pals Mahi Vij, Aarti Singh, Anita Hassandani, Ada Khan, Mona Lisa, Jia Manik and even well-known designer Rohit Verma were spotted at the ceremony. So aaiye jante hain in sabhi celebs se unhone kya pehna hai aur unki kya wishes hai bride Bharti ke liye. Honestly, I've just gotten back from Agra, to mujhe bahut zyada time nahi mila ready hone ko. But thanks to my stylist Shreya, jo last minute usne mere liye outfit, you know, she got me the perfect outfit. I'm wearing a rose pink color, Indo-Western kind of an outfit, more Indian though. And I've kept it simple and easy. Pehla function hai. I'm sure hongi, like I've directly come literally from Agra and yeah. Well, I wish Bharti all the happiness in the world, and I'm very, very happy. Okay, you know, she's found the right person. Hersh is perfect for her, and I wish them a happy, happy, happy married life. नहीं नहीं मैं कुछ ज़्यादा time नहीं लेती हूँ भाई, मैं naturally बहुत सुंदर हूँ भाई, एक blush भी मारती हूँ तो हो जाता है, तो मैंने ज़्यादा time नहीं किया, मैं सो के उठी और मैंने ये outfit पहना और बस मैं आ गई. Obviously good wishes, भारती जितना खुश तू रहती है और सबको खुश रखती है, अब तेरा नंबर है खुश रहने का. एंड तुम लोगों का इतने सालों का जो रिश्ता था अब शादी में बदल रहा है. एंड हर चीज़ अ वंडरफुल गाय एंड शी फाउंड अ वंडरफुल गाय. ये है मेरी मम्मी. हेलो. और ये है खुशी. हाय बोलो. हाय खुशी, स्माइल, कम ऑन टीवी. मैं तो भारती को गुड विशेस देना चाहती हूँ, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, बढ़िया रहे. मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज भारती शादी करी है. जब मुझे पता चला दैट शी सीइंग हर्ष, मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी बिकॉज उनका रिलेशनशिप एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, 7-8 साल के बाद अचानक इट केम आउट. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो, बिकॉज आज के जनरेशन में जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, हमें नहीं पता है कि कोई हमें किस रीज़न से अप्रोच कर रहा है, कि वो आपको इसलिए अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, आप पॉपुलर हो, या फिर वो इसलिए आपको मिलना चाहता है या इसलिए आपके साथ रहना चाहता है बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट यू आर. सो हमारे लिए स्पेशली इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है टू फाइंड समबडी जेन्यून, एंड आई एम श्योर हर्ष इज़ द जेन्यून वन फॉर हर. बिकॉज भारती हमेशा मुझसे कहती थी कि अरे यार शादी करनी है, शादी करनी है, पता नहीं लड़का कब आएगा, ये है वो है, बट सी भारती, यू फाउंड योर प्रिंस चार्मिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज भारती और मैंने साथ में झलक में काम किया था एंड वी सॉ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स टुगेदर ड्यूरिंग द शो बिकॉज वो हमारा पहला रियलिटी शो था. सो आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर फॉर योर वेडिंग एंड आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, बट यू बेटर बी देयर फॉर माई वेडिंग अबाउट 45 मिनट्स. या आई एम वेयरिंग दिस नाइस इंडियन आउटफिट. It has gold embroidery and it is orange and bright color because I love bright colors. And wedding mein, I think you should only wear bright colors. You shouldn't wear something dull. And so yeah, this is the outfit I've chosen for Bharti's chuda ceremony. आज bangle ceremony है. मैं पहली बार किसी bangle ceremony में जा रही हूँ. तो wishes तो मैं हमेशा यही करूँगी कि आप दूँगी कि आप लोग ऐसे हमेशा साथ रहो. इतने cute couple हो आप लोग, हमेशा इतने सालों से आप लोग की प्यार हम सबको पता ही है. तो हमारा भी ऐसे ही लव स्टोरी है, लाइक वी वर ऑल्सो टुगेदर सिंस 9 years एंड देन वी गॉट मैरिड. तो आप लोग भी इतने साल एक साथ हो और अभी जाके इसका अंजाम मिल रहा है, इतने स्पेशल तरीके से अंजाम हो रहा है. तो ये बरकरार रखो, हमेशा एक साथ रहो, इतने प्यार से ही रहो लाइफ भर एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ. हाँ बिल्कुल. और उसके लिए तो मुझे इतना इधर उधर जाना पड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसा बैंगल चाहिए होता है. तो उन्होंने मुझे बताई कि ये कांच की चूड़ियाँ चाहिए, ये रेड एंड ग्रीन, और उनका एक स्पेशल साइज़ भी है. तो कहीं पे ये साइज़ नहीं मिल रहा है तो कहीं पे कांच का नहीं मिल रहा है. तो ऐसा ऐसा मैं एटलीस्ट 4-5 शॉप्स घूम के फिर मैं स्पेशली उनके लिए लेके आई. नहीं आज मैं बस 45 मिनट्स लगाई, इतना कुछ नहीं. हाँ अभी शादी बाकी है तो शादी में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से होगा. आज तो मैंने खुद से ही मेकअप कर लिया, नॉर्मल सी एक येलो साड़ी और ये बैंगल्स. हाँ मैंने भी आज कुछ डिफरेंट बैंगल ट्राई किया क्योंकि उन लोगों ने बोला कि ये काफ़ी नया है. सो आई ट्राइड दिस एंड विद दिस झुमका. सो नॉर्मल है. 7-8 मिनट.
ये मैंने अपने हेल्पर को बोल दिया था जल्दी से, मैं बांद्रा में ऑडिशन के लिए गई थी एक लुक टेस्ट के लिए, उधर से आने में ही मेरे को टाइम लग गया और मैं 10 मिनट में रेडी हुई हूँ। और मैंने सोचा बस पहुँचो, मुझे नहीं पता था मीडिया होने वाली है। भाभी नहीं है, वो कृष्णा की बहन है, वो कृष्णा उसको हर्ष मेरा भाई है, और मतलब अब ऐसे रिश्ते थे तो सब भाई बहन हो गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट जो मैं तो भारती ही बोलती हूँ और हर्ष मुझे दीदी बोलता है। यस, फाइनली दे आर गेटिंग मैरिड और उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी तब मैं कॉमेडी सर्कस कर रही थी, सो वेरी हैप्पी फॉर देम। और ज़्यादातर बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे मुकाम पर पहुँचते नहीं हैं, और जब हम अपने खुद के लोग जब शादी के बंधन में बंधते हैं तो इट्स रियली वेरी ओवरवेलमिंग। एंड कृष्णा बैंकॉक में शो कर रहा है, सो अभी मुझे भारती, उसने मुझे स्पेशली बोला है तुझे भारती के हर फंक्शन में पहुंचना है बिकॉज यू आर गोना बी द फैमिली रिप्रेजेंटेटिव, बट सो सुपर हैप्पी फॉर देम, गॉड ब्लेस देम। यार मेरा तो हर तीसरे दिन आजकल न्यूज़पेपर में यही छपता है कि मुझे शादी करनी है। सो पता नहीं यार, मेरे को तो कोई मिल ही नहीं रहा है। आई होप सिद्धांत की सेरेमनी में चूड़ा गिर गया था, आई होप भारती ने बोला इस बार की कल झूठी हल्दी मुझे ही लगाएगी। सो इंशाल्लाह इफ़ आई गेट अ गाय, आई रियली डोंट गेट लाइक डोंट माइंड गेटिंग मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर। रस्में तो बहुत ही अच्छे से हुई है एंड हम तो हंस ही रहे थे बिकॉज भारती वॉज क्रैकिंग जोक्स एज यूजुअल। अब बहुत अजीब अजीब वो चेहरे बना रही थी, हम उनको चूड़ियाँ पहना रहे थे उनको, तो बहुत अजीब अजीब चेहरे बना रही थी। और हम लोगों ने पानी पूरी खाई तो मैंने इससे बोला कि भाई मैं पानी पूरी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो शी सेड अगर अच्छा लगे तो गुप गुप खाते। वेरी 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 गुड फंक्शन हैपनिंग इनसाइड, वेरी कूल एटमॉस्फेयर, बहुत लाड़ीडा नहीं है कि ऐसे रेड कार्पेट खड़ी जो करती है इस भारती इज थिंग, इट्स फन एंड भारती इज सुपर क्यूट। यस शी इज सुपर क्यूट एज अ ब्राइड। जी हाँ, हरी और लाल रंग की जो चूड़ियाँ आज पहनाते हैं जो दुल्हन की फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो आज वही हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डिड और बहुत मज़ा आया। ऑफ कोर्स यार, ब्लेसिंग्स तो दिल से निकलती है और वो हमेशा भारती के साथ है, वी रियली लव हर अ लॉट। ब्लेसिंग्स मिल गई कि वो और फूल गई अंदर जाके, इतनी ब्लेसिंग्स हैं उनको इस टाइम। सो क्यूट, ये मैंने नहीं नोटिस किया। आई एम ऑलवेज ड्रेस्ड अप विद द थीम, यू नो, बहुत ही ज्यादा मैं फैशन कॉन्शियस हूं, तो आई थिंक सो मैंने सोचा कि ऐसे ही ले लेते दूल्हा दुल्हन को, कुछ हो जाएगा थीम के साथ। दिस इज सो क्यूट मैन, ये भारती है और ये हर्ष है नीचे। चलो वेल, दोनों मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आशिका एंड भारती दोनों, एंड मैं दोनों की बैचलराइट भी अटेंड की हूँ, सेम डे था, वो लोग ने पता नहीं क्या कसम खाई है, सब कुछ सेम डे ही रखना है। एंड दोनों की शादी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो यस आई एम अटेंडिंग दोनों की शादी, अहमदाबाद भी जा रही हूँ एंड गोवा भी जा रही हूँ। इनका बैग बहुत भारी होने वाला है, बहुत भारी। मैं अटेंड कर रहा हूँ, गोवा जा रहा हूँ मैं, ये दो जगह जा रही है, इनका बैग बहुत भारी है, छह आउटफिट्स कैरी करने हैं एंड तो सोचो मेरे बैग, आई मीन ओवर लगेज डेफिनेटली। ये ज्यादा पे करेंगे, इनको महंगी पड़ेगी शादी, मैं पर सॉर्टेड हूं, बहुत महंगी पड़ेगी। आइए अब हम आप सबको मिलवाते हैं ब्राइट भारती से, जो यहाँ भी अपने कॉमेडी अंदाज में नजर आई। हमने भारती से की बात उनकी सेरेमनी और उनके इस लुक के बारे में। ये देखिए, ये बैंगल सेरेमनी है, यानी कि शादी का बिगुल बज चुका है, यानी कहते हैं ना कि शादी जंग का बिगुल, ये शादी का। हमारे पंजाबियों में हरी लाल चूड़ियाँ पहनती हैं, फ्रेंड्स पहनाती हैं, मतलब कि तुम्हारी बुकिंग हो गई है, कहते हैं रजिस्ट्री वो हो गई है, बस अब ये जब उतरेंगी तो चूड़ा चढ़ेगा। नहीं यार, मतलब खुशी के आंसू नहीं, असल के आंसू है, मतलब फिर जो शोज में फ्लर्ट करती हूँ वो लड़कों के साथ क्या लेके जा रहेगा, रसमलाई, हाँ सॉरी, तो वो नहीं कर पाऊँगी, मतलब अगर करूँगी भी तो उनको लगेगा ये शादी शुदा ही है, कहीं ऐसा हो कि खबर दबा दी जाए कि शादी हुई है, ऐसा हो सकता है क्या? थैंक यू सो मच नीतालला जी, जो इतना मीटर कपड़ा लगा के उन्होंने मेरे लिए ये अच्छा सा ड्रेस तैयार किया है। फीलिंग अभी मैं सुबह ही बहुत रोई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि इनविटेशन जाता है पत्रिका, वो लड़के वालों के घर गई फिर उनके घर से आई, तो मैं पंडित जी ने बिठाया और बोला कि तुम इस घर से ये वो, पंडित बहुत रुलाते हैं यार वो भी, तब उनको मंत्र अलग से होते हैं कि लड़की रोए थोड़ा, है ना, क्योंकि सब रोने में लग जाए वो दक्षिणा बढ़ जाए, तो बोला कि ये तुम्हारी शादी का नहीं होता जा रहा, तुम्हें ब्याह नहीं आएंगे, तो मैं और ही रोने लग गई, मतलब सारे घर रोने लगे, हम सबके नाक लाल हो गए, हम कुछ लग सब जंबो सर्कस के जोकर बन गए थे, इतना रोए हम लोग, और बस अभी कोई पूछ ही नहीं रहा पानी, सब नाच रही है अंदर, जो सब रो रही थी सुबह वो सब ये कर रही है, किसी ने पानी तक नहीं पूछा कि मतलब छोड़ो चलो। मोनालिजा आई है,
अपनी मोना लिजा कड़क वाली अदा आई है, रोहित वर्मा आए हैं, अनीता आई हुई है, माही आई है, आरती आई है, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़कियां ही आ सकते हैं। खैर बहुत सारे लोग हैं और नकली हंस हंस के ना हाय थैंक यू, अच्छा ये करके मुंह थक गया यार। मतलब हम सोच रहे थे कि दुल्हन ने पता नहीं क्यों ऐसी लॉस्ट होती हैं, तो वाकई सही बात है। आपकी हुई किसी की? अच्छा हुई, हाँ जी कौन? नहीं अपना ही बजा रहे हैं क्योंकि उनको भी अलग थोड़ा कम पैसा दिया ना, तो चूड़ी का उन्होंने सालों ने एक गाना नहीं बजाया। तुम बाद में मिलना, इस वक्त सासू माँ अंदर बैठी हैं शगुन के लिए, गाना चूड़ियों पे बताएं। तो ठीक है, एक ही गाना याद आता, अच्छा नन नन चूड़ियाँ कनक गई देख बालमा, बालमा पता नहीं किधर है, मैंने उसको फ़ोन किया था बीच में, एक बार करके देखती हूँ मैं। हाँ जी हाँ वही करेंगे, और बात का क्या फायदा है, कहीं डर। अच्छा आप अकेले दादा बुलाएंगे घर फिर आपको उठाते भी नहीं ना, काफी बार इन्होंने मीडिया के सामने बेइज्जती करवाई हुई है, उनको याद दिलाना पड़ता शादी 3 दिन में। हाँ देख काफी बेइज्जती हो रही है, देखिए उठाया नहीं है वो बंदे ने, उसको पता है कि बीवी का उधर फंक्शन चल रहा है, और ये देखिए 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 ये होती बेशर्मी की हद। तो मैंने इसलिए दबा सकते शादी की बात का मीडिया में, क्योंकि ये बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। चलो इग्नोर करते हैं इसे, ये वाला एडिट करके आगे लगाना है। नहीं अब कैसे, अब लल्ली का ठल्ली होने वाला है, तो लल्ली का लल्ला मिल गया अभी। ओ माँ बहन हो गई है, शादी होने वाली है, बहुत सारी चूड़ियाँ सब नाच रहे, पानी तक नहीं किसी ने पूछा, लेकिन सब इतने खुश हैं। मम्मी मेरे थोड़े नर्वस हो गए थे, रोने लग गए थे, बट सब लोग बहुत खुश हैं, मेरी बहनें ये वो पंजाब से लोग 15 दिन पहले आ गए हैं। ये शर्मी देखिए आप उनकी, बंदा 2 दिन पहले आता, 3 दिन फिर कहते चलो मॉल दिखा के लाओ, मैंने पर्दा खोला मैं कहा वो इन ऑर्बिट देख लो, अंदर जाना है, फिर अंदर जाओ तो फिर कहते वो पर्स घर भूला है, मतलब मेरा पर्स देख के, कोई कहता जूहू बीच जाना बहुत गाँव, मैं लेके गई गाड़ी भर के, मैंने कहा ये देखो जूहू बीच, देखा पीछे सब मुंह खोल के सो रहे थे क्योंकि ट्रैफिक इतना था। खैर लेकिन अभी बस से भर के लेके जा रही हूँ गोवा, उधर देखेंगे सब लोग बिल्कुल। ये थोड़े मैं थोड़ा ट्रेडिशनल फंक्शन था तो मैंने सोचा कि ऐसी पहनूँ, ये अनमोल ज्वेलर्स थैंक यू सो मच मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए, और आप लोग भी थोड़ा अच्छा फिल्टर डाल के अच्छा दिखाना मुझे, ठीक है नुपुर? सबसे ज़्यादा घर मिस करूँगी, क्योंकि चाहे ससुराल बहुत प्यारी, मेरी सासू माँ बहुत प्यारी है, मतलब एक एक चीज़ मुझसे पूछ के करती हैं, लेकिन जो घर में मम्मी चिल्लाना होता था तो उनको नहीं बोल सकते वो, तो वो थोड़ा मिस हो रहा है, और घर घर होता है यार। और मैं चाहूँगी कि कैमरे सब गाड़ियों में रख के आए माइक ये, और अंदर आके आप सब, अरे ऊपर कितना खुश हुई खाएं प्लीज़। डेस्टिनेशन शादी में सिर्फ पूल पार्टी पूछा, जी हाँ पूल पार्टी है, लेकिन वैसी वाली नहीं कि 2 पीस वाली नहीं है, हमने बोला कि फैमिली पार्टी है तो शॉर्ट्स फ्रॉक ये सब पहना, तो बस वही सब है। इतना बड़ा गिफ्ट जा रहा है 80 किलो का, और क्या दें, वो मुझे दे रहे हैं, थोड़ा हनीमून प्लान कर रहे हैं वो, और 1 महीने के लिए जा रहे हैं वो। यहाँ से पता चलता है कितना भरे हुए दोनों। 1 महीने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आने के बाद मेरा शो शुरू हो रहा है, फिर हम लोग बहुत बिजी हैं, बता दूंगी सारा, तुम ही पूछ लो, अभी ये भी पूछ लो लड़का होगा कि लड़की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने होने वाले पति देव हर्ष को कॉल किया और अपने फन टू अंदाज में अपनी शादी की बातें की। अब उठा ले बेइज्जती ना हो। देख लो मेरा पति क्या आपका? हमारा भाई है। रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे हमको, फर्क ही नहीं। ये देखिए, एडिट करते ना भाई, रिमोट दिखाना चीजें। ये बस स्पेशल इफेक्ट के साथ जाएगा टाइम बस। चलिए थैंक यू सो मच, और होप सो कि, अरे एक मिनट मेरा सुन लो, और होप सो कि, कौन है बच्चे बड़े तंग करते ना रिश्तेदारों के, होप सो गोवा में भी आप ऐसे ही सब परेशान करेंगे, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए, और सब आप इनवाइट है मेरी शादी में। आके एक बाइट्स करेंगे, फिर उसके बाद ये सब होटल में छोड़ कर आना,
फिर हम पूल में घुसेंगे, ठीक है? लेकिन वॉशरूम के लिए पूल से बाहर निकलना सब लोग, ठीक है? गुस्से से कहीं है अवेक। Thank you so much. Thank you. India Forums congratulates Bharti and Harsh. Stay tuned to catch more glimpses of Bharti and Harsh's wedding story. Hi, मैं हूँ भारती और आप मुझे देख रहे हैं किसमें भाई? India Forums में. Ashima Chawla, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.